CBSE Board CIS Board Term 1 Examinations 2021. 95% ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बोथ सीबीएसई एंड सीआईएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, इनका जो डिमांड है ऑनलाइन ऑफलाइन का, उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा कमेंट करते हैं, भैया कोई भी ऐसी छोटी से छोटी अगर अपडेट है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप जरूर प्रोवाइड करें। तो एज आई एम डूइंग दैट, मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट कहूंगा, जिसे सुनकर और थोड़ा आप लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, और पेरेंट्स तो ऑलरेडी आपके लिए गुस्सा है ही कि क्यों ऐसा एजुकेशन में भेदभाव किया जा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे फेस कर रहे हैं दोनों बोर्ड्स। आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और दोनों ही बोर्ड्स कंप्लीटली लगी हुई हैं आपके एग्जाम गाइडलाइंस को जारी करने में, किस तरीके से आपको जाना है, क्या लाइंस, क्या रूल्स, कैसे एग्जाम्स, सब कुछ पे दोनों के मीटिंग्स चल रहे हैं, टीचर की ट्रेनिंग चल रही है, दोनों बोर्ड्स फुल प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपके लिए जितना अच्छा हो सके ये एग्जाम, आपके एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए दोनों बोर्ड्स अपनी पूरी कोशिशें कर रही हैं। पर इन सब के बावजूद यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं और पेरेंट्स जो हैं डिमांड कर रहे हैं कि आप कितने भी गाइडलाइंस जारी कर लीजिए, अगर बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। पर यहाँ पे दोनों बोर्ड्स का कहना है कि अगर कोई बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसका पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके गार्जियन का जाता है। कंसर्न लेटर में कंप्लीट लिखा रहेगा, आपके गार्जियन कंप्लीट वहां पे लिख कर देंगे कि मैं अपने बच्चे को एग्जाम देने भेज रहा हूँ खुद के रिस्क पर, अगर उसे कुछ होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग है और यहाँ पे सीआईएसई बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग है, तो आप लोग जो है सीआईएसई के स्टूडेंट सीबीएसई पे भी अब गुस्सा होना शुरू हो चुके हैं, तो इस छोटी सी खास इंपॉर्टेंट वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या आपको इंग्लिश बोलने में लगता है डर? तो इस डर को आप कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से, जहां पर इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी बेसिक से। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फटेदार आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच। सीआईएसई के मेरे प्यारे दोस्तों, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो लोग लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वीडियो के दौरान, उनके टीचर ट्रेनिंग में साफ साफ वहां पे कहा गया है, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, सीआईएसई बोर्ड सेपरेट डिमांड कर रहे हैं कि उन लोगों का जो ऑप्शन था पहले दिया गया था उन्हें वापस मिलना चाहिए। सबसे बड़ा बेसिक रीजन वहां पे स्टूडेंट्स ने दिया है कि आपने एक 25 दिन पहले हमें बताया कि हमारा एग्जाम ऑफलाइन होगा, आपने सीबीएसई का पैटर्न फॉलो किया। दूसरी तरफ आप लोगों को पता है सीआईएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का पूरा फॉर्म भरवा लिया गया था, डेटा सेंड कर दिया गया था, कौन सा स्टूडेंट कौन से मोड में एग्जाम देगा उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी थी, पर बीच में टांग लड़ा दिया सीबीएसई ने। अब ऑलरेडी स्टूडेंट्स गुस्सा है सीबीएसई के इस डिसीजन पे। और एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आईसीएसई बोर्ड कंप्लीटली रेडी है आपके एग्जाम को, जो बच्चा चाहता है ऑनलाइन देना उसको लेने के लिए कंप्लीटली बोर्ड ने कंप्लीट अनाउंस कहा है, कह दिया है कि अगर सीबीएसई मानती है, अगर सीबीएसई आपके एग्जाम को ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों का ऑप्शन देती है तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग प्रिपेयर्ड हैं, वो लोग भी आपको ऑनलाइन का एग्जाम दे देंगे। मतलब आप लोग यहाँ पे समझ जाइए, इनका ये भी कहना है कि ये एग्जाम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट पैनिक क्यों हो रहे हैं। स्टूडेंट्स तो एग्जाम के लिए पैनिक ही नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स ना तो एग्जाम से डर रहे हैं, डर है यहाँ पे हेल्थ का। अगर मेरी बात सही है तो जरूर लाइक करिएगा। दूसरी तरफ आप लोगों के लिए जो अपडेट है, तो उनका कहना है कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम एग्जाम को बहुत ही अच्छा पैटर्न में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बट उनका एक अच्छा लगा कि कोई सीनियर इस बात को समझ रहा है, उनका कहना है कि ये एग्जाम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, जहां पर पेरेंट्स गुस्सा हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। दूसरी चीज़ आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मतलब ये साफ है कि सीआईएसई बोर्ड अगर ऑनलाइन एग्जाम के लिए रेडी है तो सीबीएसई के पास भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ का सुविधा है, डिजिटल इंडिया है अभी हमारा, सब कुछ का अवेलेबिलिटी है, नेट का है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैटर आता है वो है मनी एंड बिजनेस, जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एनीवेज कुछ ये अपडेट्स थी, 95 से ज्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं, 200,000 से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक डिमांड कर चुके हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए किया जा रहा है, गूगल फॉर्म जो आपका ओपिनियन है ऑनलाइन एग्जाम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्यादा से ज्यादा भरें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो मत शेयर करना, लिंक शेयर कर दो ताकि कोई उसे फॉर्म को भरे और ज्यादा इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में एक बार लीगली फाइट कर लिया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, अगर डिक्लेयर कर दे तो सीबीएसई का तो मुंह बंद हो जाएगा, सीबीएसई कुछ नहीं कर सकती। मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू सो मच।